नमस्कार, मैंग्री न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार की वादाखिलाफी वार्ता के बेनतीजा होने के चलते समस्त शिक्षक व कर्मचारी संगठन आज एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद 165 कर्मचारी व शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। बाद में निजी मुचलके पर उनकी रिहाई भी कर दी गई। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली को लगातार सरकार की वादाखिलाफी और वार्ता के बेनतीजा होने के चलते समस्त शिक्षक कर्मचारी संगठन आज एकत्रित होकर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। यहां संगठन के एक पदाधिकारी एवं कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले को उग्र होता देख भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी, अगर सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। संगठन के नेताओं ने कहा पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच 165 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। कितने लोगों की गिरफ्तारी आज यहाँ की जा रही है? 165 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है उनके निजी मुचलके पर। जी, उनके निजी मुचलके पर इनको रिहा किया। यह स्कूल का इनका आंदोलन है, इसके तहत आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है। क्या मांगे हैं सरकार से आपकी, किसके कारण से आप लोग यहाँ जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं? हम लोगों की बस एक ही मांग है, हम लोगों की जो पेंशन शिक्षकों को मिलती थी वो खत्म कर दी गई है, बंद कर दी गई है 2006 से, तो उन्हें उसको लगवाया जाए, जबकि प्रशासन में पेंशन बंद नहीं हुई है। यहाँ देखने को मिला महिला शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, क्या वजह है? महिला शिक्षिकाएं जो है उनके अंदर नई पेंशन को लेके कोई उत्सुकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल है उत्सुकता है, और महिलाएं काफी बैठी हुई है। आपने आज कितनी महिलाएं जेल जाने को आई हैं? बिल्कुल महिला, ये ब्लॉक लेवल का केवल है, एक ब्लॉक का है, और इसी तरह से ये लगातार कंटिन्यू 5 दिन चलेगा और ब्लॉक वाइज शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहेंगी। आज कितनी महिलाएं आई हैं आपके साथ? कम से कम 50-60 लोग महिलाएं साथ में हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग धरना दे रहे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। क्या मांगे हैं, क्या वजह है जिस कारण से सैकड़ों लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आकर बैठे धरना दे रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दें, केवल प्राथमिक शिक्षक संघ ही नहीं, कई संगठन मिला के हमने संगठन बनाया है, संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, उसके बैनर तले कई संगठन हैं और सारे संगठनों के शिक्षक कर्मचारी नेता उनके कर्मचारी शिक्षक उपस्थित हैं। हम पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेके। जी, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, जो विगत में अटल बिहारी जी सरकार ने 2003 में निरस्त कर दी थी। सरकार से आपकी ये मांग, सरकार आपकी अगर पूरी नहीं करती है तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हमारा 5 चरणों में जेल भरो आंदोलन है, उसके बाद 18 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी एकजुट होकर गिरफ्तारी देंगे। आज यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं? जी, आज गिरफ्तारी देने आई है, गिरफ्तारी का कार्यक्रम चल रहा है, आप देख भी रही है। आज कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी है? 165 लोगों ने गिरफ्तारी दी है।